सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, राधिका मर्चेंट जो कि बन चुकी है अंबानी घराने की बहू, जो कि है बहुत ज़्यादा अमीर। तो गाइस, राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी की फाइनली शादी हो चुकी है। ऐसे ही कपल्स के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जिनका नाम है राधिका मर्चेंट। इनके लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में आज हम अपनी वीडियो में बताएंगे। तो गाइस, इससे पहले देरी हो, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में जानने के लिए, राधिका मर्चेंट के लाइफस्टाइल की जानने के लिए। तो गाइस, शुरू करते हैं। इनका रियल नेम राधिका मर्चेंट है, निक नेम राधिका है, और इनका जन्म 18 दिसंबर 1994 में हुआ था मुंबई महाराष्ट्र में। 2024 के हिसाब से ये 30 साल की पूरी हो चुकी हैं। प्रोफेशन से बिजनेस वूमेन है ये। बात करें इनके स्कूलिंग पढ़ाई की, तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, कटरंडल एंड स्कूल से 8वीं तक पढ़ाई की, 8वीं से 12वीं तक इको मॉडल वर्ल्ड स्कूल से पढ़ाई की। उसके बाद आगे की पढ़ाई इन्होंने बीडी संवनी इंटरनेशनल स्कूल से पूरी की। स्कूलिंग पढ़ाई पूरी करने के बाद न्यूयॉर्क से इन्होंने डिग्री हासिल करी। न्यूयॉर्क से वापस आने के बाद इन्होंने, बात करते हैं इनके करियर के बारे में। राधिका मर्चेंट जब न्यूयॉर्क से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आई, तो इन्होंने एक फिल्म में एज ए रोल काम किया जो कि प्रसिद्ध तो ना पाया। फिर इन्होंने एक ऐसी शो में काम करने का सोचा जो कि एक बिजनेस में था। फिर इन्होंने, देख सकते हैं आप, कोर हेल्थ में काम करने का सोचा। फिर उसमें ये एज ए डायरेक्टर थी। फिर वो कंपनी इनके फादर की ही थी, आपको बता दें। और अब ये रिलायंस कंपनी को भी ज्वाइन करने वाली है, जो कि आपको पता है कितनी बड़ी है। अब बात कर लेते हैं इनकी फैमिली के बारे में। तो गाइस, राधिका मर्चेंट के फादर का नाम है वीरेंद्रा मर्चेंट, मदर का नाम है शीला मर्चेंट, और इनकी बहन है जिसका नाम है अंजलि मेहता। और इनके हस्बैंड को तो आप जानती होंगे, जो कि वर्ल्ड फेमस हैं, उनका नाम है अनंत अंबानी। आपको राधिका और अनंत की जोड़ी कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताना। अगर राधिका की शादी किसी और से होती तो आपका क्या रिएक्शन होता। अब बात कर लेते हैं राधिका मर्चेंट की इनकम के बारे में। तो गाइस, राधिका मर्चेंट, हम जैसे आपको बताया था, अपने फादर के ही बिजनेस में काम करती थी, तो मंथली वह 10 से 15 करोड़ रुपये कमा लेती थी। और अपने फादर साहब से इनको बहुत मोटी जेब खर्ची के लिए पैसे भी दिए जाते थे। अब बात करें इनकी नेटवर्थ के बारे में। राधिका का नेटवर्थ तो 2024 के हिसाब से 110 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है, जो कि बहुत आम बात है, इतना अमीर आना है। अब बात कर लेते हैं इनके हाउस के बारे में। तो गाइस, इनका हाउस आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। इनके हाउस की कुछ तस्वीरें आपकी तस्वीर दिखाएंगे आपकी स्क्रीन पे। इतना खूबसूरत हाउस है। अब वैसे ये अंबानी हाउस में रहने वाली है, जब इनकी शादी हो गई है, अब से ये अंबानी हाउस में ही रह रही है। लेकिन इनके पहले वाली घर की तस्वीरें आप देख सकती हैं, कितना खूबसूरत हाउस है। बैकयार्ड, बहुत सारी कार पार्किंग स्पेस, जिम, बहुत सारी। अब बात कर लेते हैं इनके कार कलेक्शन के बारे में। राधिका मर्चेंट के पास बहुत ही लग्जरी कारें हैं, जो कि लोगों का सपना ही रह जाता है खरीदने का। राधिका मर्चेंट ने वो खरीद के शौक पूरे कर लिए। तो देख सकते हैं ये रोल्स रॉयस, जो कि 7 करोड़ रुपए की गाड़ी है, इतनी खूबसूरत। और ये वाली बुगाटी देख सकते हैं, 3 करोड़ रुपए की, ऐसी ऐसी गाड़ी की तो लोगों का सपना रह जाता है। और ये वाली गाड़ी देख सकते हैं आप, 5 करोड़ रुपए की। इस गाड़ी का नाम क्या है कमेंट करके जरूर बताना। और ये ओडी देख सकते हैं आप, 4 करोड़ रुपए की, इतनी महंगी महंगी गाड़ी रखती है। और ये वाली गाड़ी देख सकते हैं, 4 करोड़ रुपए की। वैसे तो इनके गैराज में बहुत सी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, जितनी गाड़ी इन्होंने पॉपुलर करी है उतनी गाड़ी के नाम हमने आपको बता दिए। तो गाइस, आपको राधिका और अनंत की जोड़ी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको हमारी लाइफस्टाइल वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली वीडियो किस सेलिब्रिटी के ऊपर देखना चाहते हैं वो हमें कमेंट करें, मैं वो वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।